आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन फरवरी में होना है, लेकिन इससे पहले जान लीजिए वे कौन से ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन पर पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। सब्सक्राइब कीजिए विकी क्रिकी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पाएं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत अप्रैल के महीने में हो सकती है, लेकिन इससे पहले फरवरी में आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन होने की उम्मीद है। इसी मेगा ऑक्शन से पहले जान लीजिए वे कौन से ऐसे चार बेस्ट विकेटकीपर हैं जिन पर आईपीएल की टीमें पैसा पानी की तरह बहाएंगी। मौजूदा समय की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास एमएस धोनी, दिल्ली कैपिटल्स के पास ऋषभ पंत और राजस्थान रॉयल्स के पास संजू सैमसन और जॉस बटलर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में मौजूद हैं। इन्हीं तीन टीमों ने अपने विकेटकीपरों को रिटेन किया है। उनके अलावा भी आईपीएल में 7 और टीमें खेलने वाली हैं जिनको कम से कम एक अच्छे विकेटकीपर की तलाश होगी। ऐसे में कुछ विकेटकीपरों की चांदी होने वाली है। आज मैं इन्हीं विकेटकीपरों के बारे में बताने जा रहा हूं जो मोटी रकम में बिक सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम ईशान किशन का है। पिछले कई सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके ईशान किशन आईपीएल ऑक्शन में जाने वाले हैं। ईशान किशन पर सबसे पहले तो नजर नई आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ और अहमदाबाद की होगी, क्योंकि उनके पास अभी तीन तीन खिलाड़ियों को जोड़ने का मौका है। इस तरह उन्हें मुंह मांगी रकम मिल सकती है। इसके अलावा अगर वे ऑक्शन में जाते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस उन्हें खरीदना चाहेगी। ऐसे में कई और फ्रेंचाइजी भी उन पर बोली लगाएंगी, क्योंकि वे जिस शैली के खिलाड़ी हैं कोई भी उन्हें अपनी टीम में रखना पसंद करेगा। यही कारण है कि ईशान किशन पर पैसा बरसने वाला है। इस लिस्ट में दूसरा नाम क्विंटन डिकॉक का है। साउथ अफ्रीका के ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्विंटन डिकॉक पिछले कई सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। मुंबई इंडियंस ने तो उन्हें रिटेन नहीं किया है, लेकिन मुंबई इंडियंस फिर से उनको अपने साथ जोड़ना चाहेगी। लेकिन इसके लिए आईपीएल 2022 के ऑक्शन में मुंबई की फ्रेंचाइजी को गोली लगानी होगी। क्विंटन डिकॉक कई और टीमों के निशाने पर भी होंगे, क्योंकि वे ताबड़तोड़ ओपनिंग के लिए जाने जाते हैं। बेस्ट विकेटकीपर की इस लिस्ट में तीसरा नाम इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का है। जॉनी बेयरस्टो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पिछले कई सीजन से खेलते आ रहे हैं, लेकिन टीम ने उनको रिटेन नहीं किया है। अगर वे ऑक्शन में आते हैं तो फिर कई टीमों पर गोली लगाएंगी, क्योंकि वे ओपनर के तौर पर टीम को मजबूत शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं और इस तरह बेयरस्टो पर भी पैसा पानी की तरह बहाया जा सकता है। इस लिस्ट में चौथा और आखिरी नाम केएस भरत का है। दमदार विकेटकीपिंग के साथ साथ वे अच्छे बल्लेबाज हैं जो टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले सीजन में वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेले थे और कई तूफानी पारियां उन्होंने खेली थी। ऐसे में आरसीबी के अलावा केएस भरत पर कई और फ्रेंचाइजियों की भी नजर होगी जो कि एक बेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन का ऑप्शन मुहैया कराते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए इनमें से कौन सा विकेटकीपर सबसे ज्यादा रकम में बिकने वाला है और क्या आपकी नजर में कोई ऐसा और विकेटकीपर है जिस पर मोटी बोली लगाई जा सकती है। तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।